Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss one tricky geometry question that can be asked in CMAT exam. So guys, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो पर आ जाता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट ए कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट ए नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइज स्टार्ट कर लेते हैं. गैस हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस ग्रुप है, कैट प्रिपरेशन मॉक जोन के नाम से फेसबुक में, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो. यहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलते हैं क्वांट्स एल आर वी ए के, जिससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है. चलो गैस स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या देख लेते हैं. गैस क्वेश्चन क्या दिया है. इन द फिगर पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल. पी क्यू जो है वो डायमीटर है सर्किल का, ठीक है. एंगल पी क्यू एस जो दिया गया है, पी क्यू एस ये आपको दिया है 35 डिग्री, ठीक है. फाइंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस. तो गैस आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी सर्कल्स में कि कोई अगर सर्किल होता है, ठीक है, कोई सर्किल अगर होता है तो पहली बात ये है कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर मान लें अगर पी क्यू है, तो डायमीटर जो भी एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस, ये एंगल क्या होता है, 90 होता है, चाहे कहीं बनाए, ठीक है. पी क्यू डायमीटर सर्कमफ्रेंस से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा. पहली प्रॉपर्टी तो ये पता है आपको. और दूसरी प्रॉपर्टी, कोई कॉल्ड की है, बेसिकली दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है बट अलग अलग पढ़ते हैं लोग, ठीक है. अगर कोई कॉल्ड है पी क्यू, ये कॉल्ड जो भी एंगल बनाता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस से, ठीक है, वो एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं आपस में. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है. तो गैस ये दो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए. अब गैस इस क्वेश्चन देखो क्या हुआ है ना, कि एक पी क्यू डायमीटर है, आपको निकालना क्या है, क्यू आर एस, ये निकालना है क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है आप लोग, ठीक है. और पी क्यू डायमीटर है तो गैस जो क्यू एस है, अगर आप ऐसा करो, ये पी क्यू डायमीटर उसको ज्वाइन करो आप, ये क्या होगा, क्योंकि पी क्यू डायमीटर का एंगल एस क्या होगा, 90 होगा. एंगल एस 90 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल पी एस क्यू. देखो यह एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 35, ये हो जाएगा 180 माइनस 125 इज 55 डिग्री. अब अगर ये एंगल 55 डिग्री है, तो आप ध्यान से देखो, ये कॉर्ड जो है क्यू एस, ये एंगल पी से बना रहा है 55, तो यही एंगल आर से कितना बनाएगा, 55. आंसर क्या आ जाएगा, 55. जैसे हमने डायमीटर देखा, आप देखो डायमीटर से कनेक्ट करने वाला सर्कमफ्रेंस क्या है, आपने एंगल एस निकाली 90, फिर आपने एंगल पी निकाली, इन दोनों की हेल्प से एक बार एंगल पी आ गए, फिर कॉर्ड यू की सेम ही है, ये भी क्यू एस है, क्यू एस एंगल पी से बना रहा है और क्यू एस एंगल आर से बना रहा है, ठीक है. तो आपका अगर एंगल पी 55 है तो एंगल आर भी 55 होगा, तो एंगल मुझे मिल गया क्यू आर एस 55 डिग्री. क्वेश्चन इजी है, बहुत टफ नहीं है गाइस, बट ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. अगेन ज्योमेट्री गाइस इजी है, बट बात क्या है कि ज्योमेट्री में आपको सारी वैरायटी पता होनी चाहिए, हर एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपके टेबल के ढंग में होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आप ज्योमेट्री आपको ईजी लगेगी. अगर आपने खाली सर्फेस लेवल पढ़ा है ऊपर ऊपर से, तब आपको ज्योमेट्री में दिक्कत आएगी, ठीक है. तो गाइस सीमेट एग्जाम की डेट नहीं आ रही है तो पैनिक मत करो गाइस, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है. एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आज डेट आ जाए, एक हफ्ते बाद एग्जाम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है. बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि 9th अप्रैल को एग्जाम तो नहीं होगा जनरली, ठीक है. काफी लोग बोल रहे थे 9th को एग्जाम हो सकता है, मुझे लग रहा है कि एग्जाम आपका 16 अप्रैल को होने की चांसेस काफी है. और 16 अप्रैल को एग्जाम अगर होगा तो हो सकता है कि 8 या 9 को भी नोटिफिकेशन आ जाए कि 16 को आपका एग्जाम है, क्योंकि फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुका है, सब काम हो चुका है. वो सीधे बोलेंगे कि आपका एग्जाम 16 को है, बट 7-8 दिन पहले बोलेंगे, ठीक है. तो बहुत ज्यादा चांसेस है 16 को एग्जाम होने के, ठीक है. तो नियरेस्ट मेरे अकॉर्डिंग 16 अप्रैल एग्जाम होगा. 9th अप्रैल तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज 4 तारीख आज है, 5 दिन में एग्जाम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा काफी ज्यादा अजीब चीज है, ठीक है. बट 16 का आप चलो लेके, अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे मोटिवेशन लेके आओ. सीमेंट का फॉर्म फिल हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो एग्जाम तो होना ही होना है, और एग्जाम डेफिनेटली इस मंथ में हो जाएगा, क्योंकि तो इस मंथ में नहीं होगा तो काफी डिले हो जाएगा, फिर ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है. इवन मुझे यहाँ तक याद है 10th अप्रैल के बाद एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, शायद जहां तक मुझे याद है, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि 10th के बाद एग्जाम होगा 16. आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखो गैस, जो लोग सीरियस है वो लगे रहो गैस, क्योंकि काफी लोग पढ़ के डिमोटिवेट हो रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है. तो आप स्मार्टली काम करो, अपना पूरा हेल्प, पूरा अपना एफर्ट लगाओ. इनोवेशन सेक्शन, जीके सेक्शन, क्वांट्स, एलआर, वीए, टाइम बहुत मिलता है यार एग्जाम में, बस वैरायटी होनी चाहिए.
वैरायटी करके जाओगे आराम से निकल जाएगा, पूरा चांस होगा जेबी और सिमसरी का। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत करो, मोटिवेशन लाओ अपने अंदर गाइस, क्योंकि अगर एंड टाइम में मोटिवेशन नहीं लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम देखो होना ही होना है और बहुत ही जल्दी होगा एग्जाम। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जी के एग्जाम चल रहे हैं, जी मेंस के, इसलिए एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, पर वो लोग 7-8 दिन में एग्जाम, नोटिफिकेशन आने के 7 दिन में एग्जाम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एक प्रॉपर में करना है, क्योंकि अच्छा गौर अगर सीमेंट का मिनी क्रैश कोर्स, 10 फुल एंड डेडिकेटेड सीमेंट मॉक्स है, 10 लाइव जूम प्लस प्रैक्टिस सेशन है, पॉइंट्स एलआर वीए पे, क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 5000 क्वेश्चंस ऑफ पॉइंट्स एलआर वीए, ये आपको मिलता है, कंप्लीट डेडिकेटेड जीके फॉर एमपीए कोर्स जिसमें पूरा स्ट्रेटेजी के हैंडआउट्स, करंट अफेयर्स हैंडआउट्स, बिजनेस अवेयरनेस की चार पीडीएफ डाली है, एक 501 लाइन करंट अफेयर्स की पीडीएफ बन रही है लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगी। कंप्लीट इनोवेशन सेक्शन जिसमें आपको पीडीएफ प्लस हैंडआउट सब रहेगा। ठीक है, ग्लॉसरी वगैरह भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, एक सेशन सिलोजिज्म का हो चुका है। ठीक है, और सेशन लाइव से आ जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, प्लस 50 एडिशनल वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो गाइस ये प्राइसिंग एक्चुअली में से कुछ नहीं है, 1099 इज एक्चुअली नथिंग। ठीक है, जिस तरह कंटेंट मिल रहा है, खाली मॉक्स नहीं है, 10 मॉक्स 500 की पड़ेंगे। ये आपको मॉक्स काफी रिलेवेंट है गाइस, मॉक जरूर अटेंड करना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको मॉक्स से। लास्ट ईयर भी काफी लोगों ने किया था, लास्ट ईयर हाइएस्ट वॉज 99.97 रमीज का हम लोग के कोर्स से। ठीक है, तो इस बार भी काफी लोग का आएगा। ठीक है, तो पैनिक मत करो गाइस, डेडिकेटेड रहो, एग्जाम होना है सीमेट से और जेबीए भी मिलेगा। बाकी गाइस हम लोग का कैट एंड कंप्लीट एमबीए का कोर्स क्लोज होने वाला है एनरोलमेंट्स, हम लोग का इस बार एश्योरेंस कोर्स है, आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। अगर आपको टॉप 30 20 को स्कोर नहीं आती है, सीधे 40% अमाउंट रिफंड हो जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स है कि एक तरह का पास है ये, अभी से लेकर अगले साल मार्च तक जितने भी एग्जाम है सबके कोर्सेज, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPI, हार्ड कॉपी बुक, सब कुछ मिलेगा आपको। प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, एश्योरेंस कोर्स की डिमांड काफी थी, 2 या 3 सीटें रह गई इसमें। तो अगर आपको एक प्रॉपर में करना है और आप चाहते हो कि आपको एश्योरेंस रहे, तो बेस्ट ऑप्शन है, भी फीस भी इससे काफी कम है। ठीक है, ऐसे हम लोग का ब्लू प्रिंट है, ऐसे ऐसे हम लोग का चलता है। तो हम लोग की कैट में परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस की क्लास बची है। ठीक है, बाकी चल रहा है धीरे धीरे, बाकी गैस हम लोग के बिना एश्योरेंस वाला नॉर्मल कोर्स है, कैट कोर्स है, क्वांट्स कोर्स, अगर क्वांट्स से वीक हो। ठीक है, सो गैस ये हम लोग रिजल्ट्स वगैरह हैं, ये रिव्यूज आप देख सकते हो, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। चलो गैस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो कुछ इंक्वायरी हो तो, बाकी मॉक्स एंड डॉटिंग सीमेंट में जाकर आपको मॉक्स एंड कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गैस मोटिवेटेड रहो, और बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।